हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडीजोन। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में R बराबर AB such that A less than or equal to B square द्वारा परिभाषित समूह R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। यहाँ पर आपको एक संबंध दिया गया है और इस संबंध वास्तविक संख्या के समुच्चय R द्वारा परिभाषित है। इसका मतलब कि जो भी आपका संबंध R है वो R क्रॉस R का क्या होगा? सबसेट होगा। यहाँ पर ये जो दोनों R लिखे हैं मैंने, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी रियल नंबर्स के सेट है। ठीक है, R सबसेट, R क्रॉस R का मतलब होता है कि जो भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे वो सभी R क्रॉस R यानी कार्तीय गुणन R क्रॉस R से लिए जाएंगे। ठीक है, ये बात हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी अच्छी तरीके से समझा था। अब बात करते हैं संबंध की। ये संबंध हमको सिद्ध करना है कि ये संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करते हो, खुद से सॉल्व करते हो, तब आपसे एक छोटी सी गलती हो सकती है। वो गलती क्या हो सकती है? आप इस संबंध को ये तो बता दोगे कि ये सममित नहीं है। सममित बताने में कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से बता दोगे कि सममित नहीं है। लेकिन जब बात स्वतुल्य और संक्रामक की आएगी तब आप गलती से इसे बता दोगे कि स्वतुल्य और संक्रामक दोनों है, और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना कि ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है। तो छोटी सी गलती क्या हो सकती है हमसे, और उस छोटी सी गलती की वजह से हमारा रिजल्ट कैसे बदलता है उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य के लिए क्या शर्त होती है? स्वतुल्य के लिए शर्त होती है कि भाई स्वतुल्य आपका कोई भी संबंध स्वतुल्य तभी होगा जब उसमें लिखे गए ऑर्डर पेयर डबलेट के फॉर्म में हो, यानी ए कमा ए के फॉर्म में। ठीक है, अब ए कमा ए के फॉर्म में जो भी ऑर्डर पेयर आप लोगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हम बोलेंगे कि वो संबंध में होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कह देंगे कि यह ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं? आप सोचो, आपने कहा कि 2, 2, ये भी तो डबलेट के फॉर्म में है, ये कम है के फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये ऑर्डर पेयर किस रिलेशन में हो सकता है। ऐसा चेक करने के लिए हम किस कंडीशन का यूज करेंगे? तो कर लेते हैं, ए की जगह पर रखा 2, बी की जगह पर रखा 2, रूपा कर दिया स्क्वायर, हमको फाइनल रिजल्ट मिल गया 2 less than or equal to 4। और ये बात सही है, 2 जो होता है वो 4 से छोटा होता है। इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन फुलफिल होती है। इसका मतलब यह है कि 2, 2 आपका जो है वो इस रिलेशन में होगा। ठीक है, ऐसे आप एक और ऑर्डर ले लो। आपने कहा मैं -3 -3 लेता हूँ, ले लो भैया। आपसे तो -3 less than or equal to -3 का स्क्वायर, इसका मतलब -3 less than or equal to 9। और ये बात भी सही है, -3 जो आपका होगा वो 9 से छोटा होगा। इसका मतलब -3 -3 भी इस रिलेशन में। तो ऐसे आप जितने भी ऑर्डर पेयर लेते जाओगे वो सभी के सभी इस कंडीशन को क्या करेंगे? संतुष्ट करते जाएंगे। और अगर ये सभी के सभी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे तो सभी के सभी ऑर्डर पेयर इस संबंध में होंगे। और अगर सभी ऑर्डर पेयर इस संबंध में आएंगे तब आपका आंसर होगा कि यह संबंध स्वतुल्य होगा। और हो गई गलती, क्या गलती होगी? आप जो भी कर रहे हो अपने हिसाब से सही कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। गलत क्या सोच रहे हो? आप जितने भी ऑर्डर पेयर ले रहे हो वो सभी इंटीजर्स में सोच रहे हो, पूर्णांक में सोच रहे हो। और आपको लेना क्या है? वास्तविक संख्या लेनी है। और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में फ्रैक्शनल नंबर्स भी होते हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, बटा वाली गिनतियां, भिन्न वाली गिनतियां भी होती हैं। आप उन गिनतियों को छोड़ रहे हो, उन संख्याओं को आप छोड़ रहे हो, आप सिर्फ पूर्णांकों पर डबलेट बनाते हुए चले जा रहे हो। जब आप पूर्णांकों पर डबलेट बनाते हो तो वो सभी इस कंडीशन को संतुष्ट कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं और वो इस रिलेशन में आ जाते हैं। इसलिए आपका रिलेशन स्वतुल्य हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूर्णांकों के बारे में तो सोचना ही सोचना है, उसके साथ साथ आपको पूरे वास्तविक संख्याओं के बारे में सोचना है। और वास्तविक संख्याओं में रियल नंबर्स भी आते हैं, रियल नंबर्स में आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना है, उन संख्याओं को लेकर भी आपको डबलेट बनाना है। तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत? परिमेय संख्याओं का भी डबलेट बना लेते हैं, है ना। तो आपने कहा कि मैं एक डबलेट बनाता हूं 1 का 1/2 1/2। ठीक है, ये 1/2 1/2 क्या है? परिमेय संख्याएं हैं और ये वास्तविक संख्याएं हैं।
ये ए कामा ए के फॉर्म में लिखी गई है, इसका मतलब दोनों एग्रीमेंट अगर सेम है तो ये डेबिट के रूप में है। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमने डेबिट लिखा है, ये जो हमने ऑर्डर पे यहां पर लिखा है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि ए की जगह पर आपने रखा 1/2, लेस देन आर इक्वल टू लगाया 1/2 का स्क्वायर कर दिया। ये इंप्लाई करता है कि 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4, जबकि ये बात जो आपने लिखी है ये गलत है। क्यों गलत है? 1/2 जो होता है आपका 1/4 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। इसका मतलब ये कि ये जो आपने ऑर्डर पेयर लिखा 1/2 का 1/2, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब कि 1/2 इस रिलेशन में नहीं है, और अगर 1/2 इस रिलेशन में नहीं है तो आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब स्वतुल्य नहीं है, है ना? नहीं है ये बताने के लिए एक ही ऑर्डर पेयर काफी है, एक ही ऑर्डर पेयर काफी है। अब ये है ही नहीं, इसके अलावा सभी हो क्या फर्क पड़ता है भाई? रियल नंबर में बहुत सारी गिनतियां होती हैं, इनफाइनाइट गिनतियां होती हैं, और अगर उसमें से एक गिनती है ही नहीं तो आपका रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट में जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी का डबलेट होना चाहिए। जबकि इसका है ही नहीं डबलेट, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो संबंध दिया गया है वो स्वतुल्य नहीं है। तो यहां पर बोल देंगे कि 1/2 इस संबंध में नहीं है, क्योंकि 1/2 के होल स्क्वायर से छोटा नहीं है, इसलिए आर जो है आपका वो स्वतुल्य है ना। देखो क्या है कि ये संबंध आपका स्वतुल्य नहीं है ये बताने के लिए सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर काफी है ना, है ये बताने के लिए हमको सभी ऑर्डर पेयर चेक करने होते हैं, जबकि नहीं है ये बताने के लिए सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर काफी होता है। ठीक है, तो ये रही बात स्वतुल्य की। तो अब बात करते हैं सममित की। सममित में आपको क्या देखना होता है कि रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं क्या उन सभी ऑर्डर पेयर के उल्टे मौजूद हैं या नहीं, मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अगर ए बी और बी ए दोनों हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा जो भी संबंध दिया गया है वो सममित है। इसलिए आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो, जैसे मैंने कहा कि 2.5 अगर इस रिलेशन में है तो ये इंप्लाई करेगा कि 2 less than or equal to 5 का स्क्वायर है ना, मतलब ये कि 2 जो है वो 25 से छोटा है, और ये सही बात है। इसका मतलब 2.5 इस रिलेशन में होगा। भाई जो भी ऑर्डर पेयर आपको रखना है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रखो, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी वो इस रिलेशन में हो सकते हैं, अदरवाइज हम इस रिलेशन में उन्हें नहीं रख सकते। तो 2.5 जो है आपका वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब 2.5 इस रिलेशन में होगा। लेकिन लेकिन आप जब 5.2 की बात करते हो तो आप ये पाते हो कि 5.2 इस रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप 2 का स्क्वायर करते हो तब आपको मिलता है 4, और 4 क्या है? 5 से छोटा है, बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये कि जो 5 है ये 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि इस रिलेशन में 2.5 तो है, लेकिन 2.5 का उल्टा इसमें नहीं मौजूद है, और अगर 2.5 है 5.2 नहीं है तो आपका जो रिलेशन है अतः संबंध सममित नहीं है। आई बात समझ भाई? एक ही ऑर्डर पेयर को हमने चेक कर लिया, हमने देखा कि 2.5 है लेकिन 5.2 नहीं है, ए बी है बी ए नहीं है, इसका मतलब ये संबंध दिया गया है सममित नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है कि ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, है ना? तो देखो जब आप स्वतुल्य चेक करते हो, जब आप स्वतुल्य निकालते हो, स्वतुल्य में क्या होता है कि जो भी ऑर्डर पेयर है वो एकामा एक ही फॉर्म में होना चाहिए। जब आप सममित निकालते हो तो सममित में आप देखते हो कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ठीक है, जब आप संक्रामक निकालते हो तो संक्रामक में आप देखते हो कि ए ए बी है बी सी है तो ए सी है या नहीं है। कहने का कुल मतलब यह है कि जब आप स्वतुल्य निकालते हो तो उसमें आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए, जब आप सममित निकालते हो तो उसमें आप 2 एलिमेंट लेते हो, और जब आप संक्रामक निकालते हो तो उसमें आप 3 एलिमेंट लेते हो। इसका मतलब यह है कि जब संक्रामक निकालेंगे तो हम 3 संख्याएं कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें यह बताना है कि संक्रामक नहीं, तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अब देखो संक्रामक चेक करने के लिए
आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगा, ये लॉजिक लगेगा। कुछ क्वेश्चन में लॉजिक फिक्स है, वो लगाने ही पड़ते हैं आपको। जैसे इसमें आपको स्क्वायर दिया है, आगे एक क्वेश्चन और मिलने वाला है, उसमें आपको यहाँ क्यूब मिलेगा। तो इन दो प्रश्नों को आप तो कम से कम याद ही रखोगे कि इन दोनों प्रश्नों में आपको करना क्या होता है। तो जैसे स्वतुल्य और समतुल्य में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन संक्रामक में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको जो भी तरीका बता रहा हूँ बड़े ध्यान से आपको समझना है। संक्रामक सिद्ध करने के लिए आपको तीन गिनतियां माननी है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि संक्रामक सिद्ध करने के लिए आपको तीन संख्याएं लेनी होती है। आप यहाँ पर तीन संख्याएं लोगे, कैसे लोगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं ए बराबर लेता हूँ फोर, जब आप ए बराबर फोर ले रहे हो तो जब आप बी लोगे तो आप इससे एक कम ले लो, यानी चार लिया था तो कितना ले लिया, तीन ले लिया। और जब आप तीसरी गिनती लोगे सी, तो आपको वो गिनती कैसे लेनी है, वो गिनती ऐसी लेनी है कि जो भी आप गिनती यहां पर लेने वाले हो उस गिनती का कर दो वर्ग, उस गिनती का कर दो स्क्वायर। जब वो आप उस गिनती का स्क्वायर करोगे तो वो तीन से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन चार से छोटी होनी चाहिए। क्या याद रखना है आपको, याद यह रखना है कि सी का वह मान लेंगे, सी का वह मान लेंगे जिसका वर्ग बी से बड़ा हो तथा ए से छोटा हो। ठीक है, आपको यह बात याद रखनी है जब आप संक्रामक सिद्ध करोगे। स्क्वायर वाला है तो यहां पर मैंने वर्ग कहा, जब क्यूब वाला आएगा तो यहां पर मैं कहूंगा घन, है ना। तो देखो सी का मैं कौन सा मान ले सकता हूं, मैंने कहा कि मैं यहां पर ले सकता हूं 1.8 ले सकता हूं, क्योंकि जो आपका संबंध है वो वास्तविक संख्याओं से और वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या ली जाएंगी, तो इसको मैं ले सकता हूं। अब देखो 1.8 का मैं स्क्वायर निकाल लेता हूं पहले, तो मैंने 1.8 का स्क्वायर निकाला, तो ये आता है आपको 3.24, और जो आपका 3.24 आया है ये 3 से बड़ा है और 4 से क्या है छोटा है, इसका मतलब हम ये तीन संख्याएं ले सकते हैं। अब देखो जब आप कहते हो कि इस रिलेशन में ए बी है, तो ए बी का मतलब है कि इस रिलेशन में 4,3 है, और अगर इस रिलेशन में 4,3 है तो ये इंप्लाई करेगा कि जो 4 है वो लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और ये बात सही है। 4 जो होगा वो 9 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें 4,3 तो इसमें है। अब ए बी हो गया, जब आप बी सी की बात करते हो तो बीसी के लिए क्या चाहिए, 3,1.8। ठीक है, 3,1.8, और अगर 3,1.8 इसमें है तो इसका मतलब यह है कि 3 less than or equal to 1.8 का स्क्वायर, इसका मतलब यह है आप बोल सकते हो कि 3 less than or equal to 3.24। यही बात सही है, जो 3 है वो 3.24 से छोटा है, इसका मतलब कि इसमें 3,1.8 भी है। अब तब एसी भी इसमें होना चाहिए भाई, अगर ए बी है बी सी है तो एसी भी होना चाहिए। अब एसी के लिए क्या जरूरी है, ए के लिए 4 हो गया और सी की वैल्यू क्या है 1.8। अगर 4,1.8 भी इसमें हो जाए तो हम बोल देंगे क्या कि वो संक्रामक है। चेक करते हैं, जब आपने चेक किया तो आपने क्या देखा कि 4 less than or equal to 1.8 का स्क्वायर, इसका मतलब यह है कि 4 less than or equal to 3.24, और ये बात हो गई गलत। क्यों, क्योंकि जो 4 है वो 3.24 से बड़ा है, इसका मतलब कि ये लेस देन नहीं ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब कि 4,1.8 इस रिलेशन में नहीं है। मतलब ए बी तो है बी सी तो है लेकिन ए सी नहीं है, और अगर किसी रिलेशन में ए बी है बी सी है ए सी नहीं है तो वो रिलेशन आपका ट्रांसिटिव नहीं होता है, मतलब संक्रामक नहीं हो सकता। तो जब आपको संक्रामक दिखाना होगा तो आपको उसमें तीन गिनतियां लेनी है, और तीन गिनतियां किस तरह से लेनी है मैंने आपको बता दिया। 4 अगर आप लेते हो तो उससे एक कम ले लो, और फिर आप तीसरी गिनती ऐसी लोगे, तीसरी संख्या ऐसी लोगे जिसका वर्ग करने पर दूसरी से बड़ी हो और पहली से छोटी हो। जरूरी नहीं 4 लिया 3 लो, आप 2 ले लो,
दो के बाद आप वन ले लो, आप तीन ले लो, दो ले लो, फिर आप कोई भी संख्या ले सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी संख्या ले सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब तीसरी का आप वर्ग करोगे वो दूसरी से बड़ी होनी चाहिए और पहले वाले से छोटी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए बी है, बी सी लेकिन ए सी नहीं है, इसलिए जो आपका संबंध है इसलिए आर संक्रामक नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये संबंध जो है ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको एक संबंध दिया गया है और ये संबंध इस दिए गए समुच्चय के द्वारा परिभाषित है। आपको चेक करना है, आपको ये चेक करके बताना है कि ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहली बात कि अगर ये संबंध इस समुच्चय ए के द्वारा परिभाषित है तो जो आपका संबंध होगा वो एक राशि का क्या होगा, सर्किट होगा, मतलब कि एक राशि के एलिमेंट को लेकर हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जो आपका संबंध लिखा गया है ये संबंध समुच्चय निर्माण विधि में है, हम इसको रोस्टर रूप यानी टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, ये कंडीशन जो दिया गया ये हमारी मदद करेगा। लिख डाल, जब हम ए बराबर वन रखेंगे तो हमें बी बराबर क्या मिलेगा, टू मिलेगा, ठीक है। ए बराबर टू रखा, बी बराबर थ्री, ए बराबर यहाँ पर ए का मान रखते जाएंगे हमको बी का मान मिलता जाएगा, ठीक है। जब ए बराबर थ्री रखेंगे तो बी बराबर मिलेगा फोर, ए बराबर हमने रखा फोर, बी बराबर मिला फाइव, जब हमने रखा ए बराबर फाइव बी बराबर मिला सिक्स, और जब हमने रखा ए बराबर सिक्स तो बी बराबर मिला सेवन, और ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, गलत भैया इसलिए हो गया क्योंकि जो ए और बी, ए कामा बी जो भी है, ये ए कहाँ से होना चाहिए, सेट ए से, और बी भी कहाँ से होना चाहिए, सेट ए से होना चाहिए, और सेट ए में सेवन तो है नहीं, जब सेवन है नहीं तो छः कामा सात बनने का कोई चांस ही नहीं, इसका मतलब कि आपका जो रिलेशन है वो यही तक है। अब आपको ये चेक करके बताना है कि जो रिलेशन दिया गया है ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो भाई चेक कर लो, स्वतुल्य होने के लिए क्या जरूरी था कि इसमें जितने भी एलिमेंट है उन सभी का डबलेट होना चाहिए, और आप देख लो किसी भी एलिमेंट का डबलेट नहीं है, किसी भी एलिमेंट का डबलेट नहीं है। आप बोल दो चूंकि ए कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, फार एग्री, फार एग्री क्या, ए बिलोंग टू कैपिटल ए, इसलिए आर जो है वो स्वतुल्य नहीं है। मतलब ये कि ए कामा ए के फॉर्म में कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, और जो ए आप लेते कहां से लेते, सेट ए से लेते। तो अगर ए कामा ए के फॉर्म में इसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं है तो ये रिलेशन आपका क्या है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। बात करो सममित की, सममित के लिए क्या होता है कि भाई ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब देख लो वन टू है, क्या इसमें कॉमन है, नहीं, बस बात ही खत्म। भाई वन टू तो है इसमें, लेकिन टू वन नहीं है, इसका मतलब इसलिए संबंध क्या है, सममित नहीं, ठीक है। तीसरे वाले की बात करो, भाई वन टू है, ए बी है, बी सी है, तो क्या ए सी है, देख लो ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब वन टू है टू थ्री है तो वन थ्री भी होना चाहिए, और नहीं है, बस एक ही ऑर्डर पेयर नहीं मिला, हम कह देंगे संक्रामक नहीं है, आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर कह दो कि वन टू तो है और टू थ्री भी है, लेकिन वन थ्री नहीं है, इसलिए संबंध संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं जो आपको समझ में आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है कि यहां पर एक संबंध आपको दिया गया है, जो संबंध वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर द्वारा परिभाषित है। कहने का पूर्ण मतलब यह है कि अगर इस संबंध वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर द्वारा परिभाषित है तो आपका जो संबंध होगा वो आर क्रॉस आर का क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब ये कि जो आप ए की वैल्यू रखोगे वो कहां से रखोगे, रियल नंबर, जो बी की वैल्यू रखोगे वो भी क्या रखोगे, रियल नंबर रखोगे, ठीक है। आपको ये चेक करके बताना है कि ये जो संबंध दिया गया है ये संबंध स्वतुल्य तो है, संक्रामक तो है, लेकिन सममित नहीं है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। भाई स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है, स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है कि जितने भी ऑर्डर पेयर आप इसमें लिख रहे हो सभी डबलेट के फॉर्म में होने चाहिए। तो आप चेक करो,
आप चेक कर लो, कोई भी आप एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका डबलेट जब लोगे तो आपको कंडीशन क्या लगानी है कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी, मतलब जो भी गिनती आप ले रहे हो वो गिनतियां दोनों या तो बराबर हो या तो पहले वाली दूसरे से छोटी हो, दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। चेक कर लो, आपने कहा कि मैं लेता हूं 1, 1, तो 1, 1 इस रिलेशन में होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 1, बात सही है ना। आप कह दो कि मैं 2, 2 लेता हूं, ले लो भैया 2, 2 जब आपने लिया तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी बात सही है। आप कोई भी आप कह दो कि मैं 1/2, हम 1/2 लेता हूं, ले लो भैया 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, ये भी बात सही है। तो जितने भी आप ऑर्डर पेयर लोगे, जितनी भी आप ऑर्डर पेयर लेते जाओगे, वो सभी के सभी इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये जो रिलेशन आपका है वो क्या है, स्वतुल्य है। अच्छा, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर होने की वजह से ये जो रिलेशन आपका था वो ना तो स्वतुल्य हुआ था ना ही संक्रामक हुआ था। समित तो था ही नहीं, समित तो था ही नहीं, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक भी नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, जबकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ए लेस देन इक्वल टू बी है, सिंपल सी बात है, दोनों गिनतियां पावर सेम है, ठीक है। इसका मतलब कि जितने भी ऑर्डर पेयर आप लेते जाओगे वो सभी के सभी इस रिलेशन में आएंगे। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि चूंकि ए कामा ए इस रिलेशन में है ना, फॉर एवरी ए जो आपका है वो रियल नंबर के सेट से है, इसलिए संबंध जो आपका है वो क्या है, संबंध स्वतुल्य, सिंपल सी बात है, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। संबंध आपको क्या है, स्वतुल्य। समित की बात कर लो भैया, समित में क्या होगा, समित देख लेते हैं, कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो आप, कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो, आपने कहा पिछले वाले रिलेशन में लिया था 2, 5, जब आप 2, 5 लोगे और आप बोलोगे 2, 5 इस रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, 2 जो है वो 5 से छोटा होता है, ये बात सही है। तो इसका मतलब 2, 5 इसमें है, लेकिन लेकिन जब आप 5, 2 की बात करते हो, जब आप 5, 2 की बात करते हो तो वो इस रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि क्योंकि 5 जो है वो 2 से छोटा नहीं है, ये तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए संबंध सममित नहीं। बस में भाई 2, 5 है तो 5, 2 भी होना चाहिए था, और 2, 5 तो है लेकिन 5, 2 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5, 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, 5 जो है वो 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो अगर छोटा नहीं है तो 5, 2 इसमें होगा नहीं, और अगर 5, 2 इसमें नहीं होगा तो आपका संबंध जो सममित नहीं होगा। तो बात करते हैं संक्रामक की, और संक्रामक की अगर मैं बात करूं तो संक्रामक आप चेक करोगे, और चेक करने के बाद में कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपने ए बी सी के स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं ली थी, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक संबंध दिया गया है, आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। ये संबंध जो दिया गया है ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर द्वारा परिभाषित है। तो अगर ये संबंध वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर द्वारा परिभाषित है तो ये आर क्रॉस आर का क्या होगा, सबसेट होगा, यानी उप समुच्चय होगा। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये संबंध हमें दिया गया है और चेक करके बताना है कि ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। वहां पर जो संबंध दिया गया था वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर द्वारा परिभाषित था, ये संबंध भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर द्वारा परिभाषित है। वहां पर क्या था, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी क्यूब है। और मैंने आपसे वहां बोला था कि आगे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पर बी क्यूब रहेगा, तो जिस प्रकार से हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य में आपको एक ऐसा डबलेट लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है ना। देख लेते हैं, आप ऐसे बहुत सारे डबलेट लोगे, 1, 1 लोगे, 2, 2 लोगे, -2, -2, -3, -3, ऐसे बहुत सारे डबलेट लोगे, है ना। तो आप पूर्णांक में सोचो, उससे पहले रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं आप उनका एक ऑर्डर पेयर ले लो, उनका एक डबलेट ले लो, उन्हें चेक करो। अगर वो मिल जाते हैं तो फिर आपको आगे चेक करने की जरूरत है, और अगर वो ऑर्डर पेयर इसमें नहीं मिलता है
तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आप बोल दोगे ये जो संबंध दिया गया है स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो करते हैं, वहां पर हमने 1/2 लिया था, यहां भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हमने एक ऑर्डर पेयर लिया 1/2, 1/2, तो हमें ये चेक करना है कि ये ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। चेक कर लो भैया, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का क्या क्यूब, भैया यहां पर क्यूब है तो क्यूब करेंगे, क्या होगा 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/8, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1/2, 1/8 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां लेस देन आर इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए था। तो कह सकते हैं कि 1/2, 1/2 इस रिलेशन में नहीं है। और अगर यही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है तो बाकी सभी एलिमेंट्स का, सभी जितनी भी संख्याएं हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का डबलेट होना चाहिए था। तो उन सभी का डबलेट हो, लेकिन अगर इसका ही नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो संबंध हमारा है वो स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट संख्याएं होंगी, और सभी का डबलेट होना चाहिए था, तो सभी में ये भी आता है। और अगर यही नहीं है तो ये संबंध आपका क्या है? स्वतुल्य नहीं है। तो आप बोलोगे चूंकि 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है, लेस देन आर इक्वल टू 1 नहीं होता है। कह दोगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना। अब बात करते हैं सममित की। सममित में क्या होता है भाई, जो भी ऑर्डर पेयर हैं उनका उल्टा मौजूद होना चाहिए। जो भी ऑर्डर पेयर हैं उनका क्या होना चाहिए? उल्टा मौजूद होना चाहिए, है ना। तो चेक कर लेते हैं। कहने का कोई मतलब यह है कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। आपने कहा कि मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है 1,2 का, अगर 1,2 इसमें बिलोंग करता है, 1,2 इसमें बिलोंग करता है, तो ये कहेगा कि भैया 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब। भाई अगर 1,2 इस रिलेशन में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर 1,2 इस रिलेशन में है तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब, और यहां से आपको मिलेगा कि 1 लेस देन आर इक्वल टू 8 सही है। 1 जो होता है वो 8 से छोटा होता है। ठीक है, अगर 1,2 इसमें है तो 2,1 भी इसमें होना चाहिए। अगर 2,1 है तो हम बोलेंगे कि ये सममित है, और अगर नहीं है तो कह देंगे सममित नहीं है। देख लेते हैं, जब आपने कहा कि 2,1 इसमें है, जब आपने कहा कि 2,1 इसमें है, तो ये 2,1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो रख लेते हैं, देखते हैं 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 का क्यूब, और यहां से आपको मिलेगा 2 लेस देन आर इक्वल टू 1। भाई 1 का आप क्यूब नहीं करो, पावर 4 करो, पावर 5 करो, पावर 100 कर दो, तो भी वन ही रहेगा, है ना। और 2 1 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए था, लेस देन आर इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए था। कहने का कुल मतलब ये है ये ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए 2,1 इस रिलेशन में नहीं होगा। और अगर 2,1 इस रिलेशन में नहीं है तो हम कह देंगे कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सममित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 1,2 था तो 2,1 भी होना चाहिए था, लेकिन 2,1 नहीं है, है ना। तो आप बोलोगे कि 1,2 तो इसमें है लेकिन 2,1 इसमें नहीं है, क्योंकि, है ना, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं है, है ना। तो यहां से बोल देंगे कि R जो है, इसलिए R सममित नहीं है, है ना। बहुत सारे ऑर्डर पेयर पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हम एक ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, हम बोल देंगे क्या ये सममित नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर आप ले लेते हैं ना, 2-4 ऑर्डर पेयर पे आप चेक करते और पता चलता कि ए बी है बी ए भी मिल रहा है, ए बी है बी ए भी मिल रहा है, है ना। तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर पे आप चेक करते, इसलिए एक ऐसा ऑर्डर पेयर उठाओ जिससे आप बता ले जाओ ये सममित नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रामक की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। मैंने कहा था संक्रामक में जब भी आप चेक करते हो तो आपको 3 वैल्यूज लेनी होती है, ए बी सी। वहां पर मैंने आपसे कहा था कि ए बी सी आपको 3 गिनतियां लेनी होती है, यहां भी आपको ए बी सी 3 गिनतियां लेनी है, 3 संख्याएं लेनी है। तो ले लेते हैं, मैंने कहा ए बराबर 4, है ना, बी बराबर मैंने कहा 3, और सी बराबर ले लेता 1.5। मैंने आपसे कहा था कि आप
ए की जो भी संख्या जो भी वैल्यू लेते हो उससे एक कम भी ले लो, और सी की वैल्यू वहां पर मैंने बोला था जो सी की वैल्यू होगी उसका वर्ग करो बी से ज्यादा हो ए से कम हो। यहां पर क्या करना है, यहां पर सी के मान का आपको घन करना है यानी क्यूब निकालना है, और उसका क्यूब इस बी वाले से तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन ए वाले से कम होना चाहिए। तो 1.5 का क्यूब कितना आएगा निकाल लेते हैं, 1.5 × 1.5 तो 2.25 हो गया, और फिर 1.5 निकाल लेते हैं, 3.375 है ना। तो ये जो संख्या मिली है वो b से तो बड़ी है लेकिन a से छोटी है, तो इसका मतलब हमने जो संख्याएं मानी है वो सही मानी है। अब हम इन पे चेक करेंगे है ना, और चेक करके देखते हैं कि ab है bc है तो क्या ac भी है, अगर ac है तो हम कह देंगे कि हमारा जो संबंध है वो संक्रामक है, और अगर ac नहीं है तो हम कह देंगे संक्रामक नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात AB की बात करते हैं, अगर AB है तो इसका मतलब कि 4,3 इसमें है, और अगर 4,3 इसमें है तो ये इंप्लाई करेगा कि 4 < 3 का क्यूब, और ये बात सही है ना। आप यहाँ पे बोल दोगे कि 4 < 27, ये बात सही है क्योंकि 4 जो है वो 27 से छोटा है। अब अगर BC है इसमें तो BC है तो इसका मतलब कि 3,1.5 है ना, और अगर 3,1.5 इसमें है तो ये इंप्लाई करेगा कि 3 < 1.5 का क्यूब, इसका मतलब ये है कि 3 < 1.5 कितना 3.375 है ना, जो आपका 3 है वो 3.375 से छोटा है। ठीक है, AB है BC है, अब AC की बात करते हैं, तब A, C क्या होगा भाई, A, C का मतलब 4,1.5 ये इस रिलेशन में होना चाहिए भाई, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अब ए सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 < 1.5 का क्यूब, और जब आप इसका क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 4 < 3.375, और जो कि गलत है ना क्योंकि ये 4 से छोटा है 4 से बड़ा नहीं है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि 4,1.5 इसमें नहीं है, और अगर 4,1.5 इसमें नहीं है तो हम बोल देंगे कि संबंध R संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग स्वतुल्य सममित और संक्रामक चेक करते हैं। तो ये जो हमको संबंध दिया गया था ये ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक समुच्चय आपको दिया गया है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 हैं, तो इस समुच्चय को मैं समुच्चय ए मान लेता हूं। ठीक है, कह रहा है कि इस समुच्चय के द्वारा ये संबंध परिभाषित है, और आपको सिद्ध करना है कि जो संबंध दिया गया है ये सममित तो है लेकिन ना तो ये स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है, मतलब ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांसिटिव है लेकिन ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जब आप स्वतुल्य की करोगे है ना, स्वतुल्य की बात करोगे, स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं 1, 2, 3 जो भी लिखे गए हैं इन सभी का डबलेट होना चाहिए था। और आप देख लो क्या इसमें 1, 1 है, क्या 2, 2 है, क्या 3, 3 है, नहीं तो ये स्वतुल्य नहीं। आप बोल दोगे चूंकि 1, 1 इसमें नहीं है इसलिए आर क्या है स्वतुल्य नहीं। समित की बात करो, समित में क्या हुआ, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, देख लो 1, 2 है तो 2, 1 है ना, 2, 1 है तो 1, 2 है, इसमें बोल दो आप कह दो 1, 2 इसमें है, ये इंप्लाई कर रहा है कि 2, 1 भी इसमें है इसलिए आर क्या है समित है। संक्रामक की बात करो, संक्रामक के लिए क्या होता है, ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, देख लो 1, 2 है और 2, 1 है लेकिन 1, 1 नहीं है इसलिए आर यानी संबंध आर संक्रामक नहीं।
भाई 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए था, AB है, BC है, तो AC भी होना चाहिए था, लेकिन इसमें देख लो AB तो है, BC तो है, लेकिन AC नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में विशेष कुछ था नहीं, आप स्वयं कर लेते। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक संबंध आपको दिया गया है, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, और ये जो संबंध दिया गया है ये संबंध तुल्यता संबंध है। मतलब ये कि आपको सिद्ध करना है कि जो संबंध दिया गया है एक संबंध तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। तुल्यता का मतलब होता है कि जो भी संबंध दिया गया है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। मतलब अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, तब उस संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो संबंध दिया गया है तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर जो संबंध आपका प्रदर्शित है, जो संबंध आपका दिया गया है, वो एक ऐसे समुच्चय से लिया गया है जो क्या है, कॉलेज के पुस्तकालय में रखी गई किताबों का एक समुच्चय है। यानी कोई पुस्तकालय है, उसमें बहुत सारी किताबें रखी गई हैं, उन किताबों के समुच्चय द्वारा एक संबंध बनाया गया, और आपको बताना है कि जो संबंध बनाया गया है वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात स्वतुल्य की कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए आपको पता है कि स्वतुल्य के लिए जो भी आप रिलेशन बनाओगे, उस रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर रखोगे वो डबलेट के फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब ए कामा ए के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ए कामा ए, मैंने कहा कि ए कामा ए अगर इस रिलेशन में है, तो कोई भी ऑर्डर पेयर, अगर कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में रखते हो, तो जो भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है वो पुस्तकों को बताएंगे। यानी यहाँ पर जो भी लिखे जाएंगे एक्स वाई है ना, जेड ए बी सी डी, जो भी आप लिखते हो वो सभी पुस्तक को बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे एक पुस्तक एक्स था, दूसरा पुस्तक वाई था, तो इन दोनों पुस्तकों में क्या था, एक्स और वाई में पेजों की संख्याएं समान थी। मतलब अगर कोई एक पुस्तक एक्स है उसमें 100 पेज हैं, तो वाई में भी क्या होंगे, 100 पेज होंगे। तो इसका मतलब यह है कि इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आप रखोगे, उन ऑर्डर पेयर में जो भी दोनों एलिमेंट होंगे उनमें पेजों की संख्या क्या होंगी, समान होगी। अब मैंने कहा कि एक ऑर्डर पेयर मेरे पास है ए कामा ए, मतलब एक किताब मैंने ए लिया, अब उस किताब के साथ उसी प्रकार का एक किताब और ले लिया, तो बताओ दोनों पेजों की संख्या समान होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। ए कामा ए का मतलब क्या है, एक जैसी दो किताबें, तो अगर दोनों किताबें एक जैसी हैं तो उनमें पेजों की संख्याएं भी समान होंगी। कहने का कोई मतलब यह है कि इस संबंध में ए कामा ए होगा, यानी ए कामा इसमें है सारे भी, आप बोल दो ए जो है वो सेट ए से है, और सेट आपका ए जो है वो क्या है, किसी पुस्तकालय में किताबों का समुच्चय। ठीक है, तो ये स्वतुल्य है ना, ये क्या है, स्वतुल्य, आर स्वतुल्य है। क्यों है भाई, क्योंकि इसमें ए कामा ए मिलेगा आपको। ठीक है, सममित की बात करो, सममित के लिए क्या जरूरी है कि अगर ए बी है तब ये इंप्लाई करेगा कि बी ए बी हो इसमें। आप खुद सोचो, एक किताब है ए, दूसरी किताब है बी, अगर एक किताब ए है दूसरी किताब बी है, तो ए में जितने पेज होंगे उतने ही पेज बी में होंगे। देख लो यहाँ पर एक्स कमा वाई का क्या मतलब है कि एक्स में जितने पेज हैं उतने ही पेज वाई में है, तो जितने पेज यहाँ पर ए में हैं उतने ही पेज बी में है। तो अगर ए बी का मतलब है ए और बी में पेजों की संख्या समान है, तो बी ए का मतलब क्या होगा भाई, जितने पेज बी में होंगे उतने पेज ए में होंगे, सीधी सी बात है। तो अगर ए बी इस रिलेशन में है तो बी ए भी होगा, क्यों, क्योंकि जब दोनों किताबों में पेजों की संख्या समान है तो दोनों ही इस रिलेशन में होंगी। तो कहने का मतलब ए बी भी है और बी ए भी है, इसलिए आर क्या है, सममित भी है। ठीक है, संक्रामक की बात करो, संक्रामक क्या होगा, आपने कहा कि ए बी है, अगर ए बी इस रिलेशन में है तो इसका मतलब है कि एक किताब आपने लिया, एक पुस्तक आपने ली ए, और दूसरी पुस्तक ली आपने बी, तो ए में जितने पेज हैं उतने पेज बी में है। ठीक है, और आपने कहा इस रिलेशन में बी सी है, तो अगर इस रिलेशन में बी सी है तो इसका मतलब क्या कि एक किताब आपने ली बी और एक किताब आपने ली सी, तो जितने पेज बी में होंगे उतने पेज सी में होंगे। तो आप खुद सोचो कि अगर ए में और बी में समान पेज हैं, बी और सी में समान पेज हैं, तो क्या ए और सी में समान पेज नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। तो ये इंप्लाई करेगा कि ए सी भी इस रिलेशन में है, इसलिए आर क्या है, संक्रामक भी है।
ये पूरा बकवास क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, बस खाली लैंग्वेज लिखा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। क्वेश्चन नंबर एट में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में एक संबंध आर बराबर ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यानी सबसे पहली बात तो ये है कि इस संबंध को हमें सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब कि ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। फिर आगे कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन 1, 3, 5 के अवयव जो हैं वो 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखा देते हैं, फिर उसके बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको इसे स्वतुल्य दिखाना है तो जो भी आप आर्डर पेयर लेंगे वो ए कामा ए के फॉर्म में होंगे, है ना। और जो भी आप एलिमेंट लेंगे वो कहाँ से लेंगे भाई, इसी एलिमेंट से आप डबलेट बनाएंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। आप कोई भी ले लो, 1, 1 लोगे तो 1, 1 का मतलब क्या, अगर ए बी का मतलब ए माइनस बी है तो 1, 1 का मतलब 1 माइनस 1 होगा, तो 1 माइनस 1 जीरो, और 0 भी एक सम है। 2, 2 लोगे 2 माइनस 2 जीरो, 0 एक सम है। तो अगर किसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से आप घटाओगे तो आपको 0 मिलेगा और 0 एक सम है। कहने का पूर्ण मतलब यह है कि ये रिलेशन आपका स्वतुल्य हो जाएगा। यानी मैंने कहा कि अगर इस रिलेशन में ए कमा ए है, फॉर एवरी ए जो है आपका कहां से है, सेट ए से है। सेट ए से कोई भी आप एलिमेंट ले लो, ए की जगह पर रख दो, वो क्या करेगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ए माइनस ए इक्वल टू क्या, 0, जो कि क्या है, सम है। तो इसलिए आपका जो संबंध आर है वो क्या है, स्वतुल्य है। भाई कोई भी आप एलिमेंट इसमें रख दो, ए की जगह पर 1, 1 रख दो, 2, 2 रख दो, 3, 3 रख दो, 4, 4, 5, 5 कोई भी रख दो, वो क्या करेगा, 0 देगा, और 0 एक सम है। इसका मतलब कि इस रिलेशन में इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का डबलेट आपको मिलेगा, ठीक है। सममित की बात करते हैं। सममित के लिए क्या कंडीशन है कि अगर इस रिलेशन में ए बी है, इस रिलेशन में अगर ए बी है तो ये इंप्लाई करेगा कि मॉड ए माइनस बी बराबर क्या मिलेगा आपको, सम मिलेगा। अगर इस रिलेशन में ए बी है तो ए बी ये इंप्लाई करेगा कि ए माइनस बी बराबर क्या, सम। अब अगर ए बी इसमें है तब बी ए भी होना चाहिए, तब बी कमा ए। अगर इस रिलेशन में है तो ये इंप्लाई करेगा कि बी माइनस ए बराबर क्या मिल जाए आपको, सम मिल जाए। अगर b माइनस ए बराबर सम मिल जाता है तो आप कह दोगे कि इस रिलेशन में ए बी भी है और बी ए भी है। भाई जब a को b में से घटाया और सम मिल गया तो b को a में से घटाओगे तब भी सम मिलेगा। अच्छा, यहां पर मान लगा दिया है तो मान लो जैसे आपने कहा a बराबर 1 और b बराबर आपने कहा 3, तो जब आपने 1 में से 3 घटाया तो आपको क्या मिला, 2। लेकिन मान लगा हुआ है तो मान क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है तो 2 मिल जाएगा, है ना। तो अगर ए बी इस रिलेशन में है तो ए माइनस बी बराबर सम मिलेगा, तो अगर ए बी है तो बी ए भी होगा, क्यों, क्योंकि बी माइनस ए बराबर भी आपको सम मिलेगा। घटा दो, 1 में से 3 घटाया तो माइनस 2 मिला, 2 मिला, जब 3 में से घटाओगे तब भी 2 मिलेगा, सम ही मिलेगा। तो इसलिए आपका ये संबंध आर क्या है, सममित है। बात आ रही समझ में भाई, ए बी है तो बी ए भी है, क्यों, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं संक्रमण, संक्रामक में क्या होता है, ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। देख लो, अगर इस रिलेशन में ए बी है तो ये इंप्लाई करेगा कि मॉड ए माइनस बी बराबर क्या, सम, यही तो। और अगर इसमें बी सी है तो ये इंप्लाई करेगा कि बी माइनस सी बराबर क्या, सम, है ना। तब तब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तब मुझे क्या मिलेगा, क्यों, सम संख्या में जब कोई सम संख्या आप जोड़ते हैं तो आपको सम संख्या ही मिलेगी। 2 में 2 जोड़ोगे 4 मिलेगा, 4 में 4 जोड़ोगे 8 मिलेगा। तो किसी सम में किसी सम को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगी। यानी अगर मैंने a माइनस बी में क्या किया, बी माइनस सी को जोड़ दिया, इधर सम को सम में जोड़ा तो सम ही मिलेगा। तो यहां पर देखो, बी से बी गया कट और आपको यहां मिला ए माइनस सी बराबर क्या,
सम ये इंप्लाई करेगा कि इस रिलेशन में ए सी भी है। भाई बात आई समझ में? जब इसमें ए बी था तो ए माइनस बी बराबर सम था, जब बी सी था तो बी माइनस सी बराबर सम था। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो सम में सम को जोड़ूंगा सम संख्या मिलेगी, और जब इसको मैंने इसमें जोड़ा मॉड लगा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको जब इसमें जोड़ा तो बी से बी कट गया क्योंकि एक माइनस था एक प्लस था, बचा क्या ए माइनस सी। ए माइनस सी का क्या मतलब है कि इस रिलेशन में ए सी है, क्योंकि जब ए सी होता तभी तो ए माइनस सी बराबर सम मिलेगा, इसलिए यह संबंध आपका क्या है आर संक्रामक है। अगर इस रिलेशन में ए सी है तभी ए माइनस सी बराबर सम होगा, ठीक है। तो ये संबंध आपका क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसीलिए तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 1, 3, 5 के जितने भी एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब संबंधित है, और 2, 4 के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन 1, 3, 5 के एलिमेंट 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो कैसे दिखाते हैं आपको। जो सबसे पहली बात 1, 3, 5 के बारे में बात करो, जब आपने 1 में से 3 को घटाया तो आपको क्या मिलेगा, -2, और ये क्या है सम है ना। जब आपने 1 में से 5 को घटाया तो आपको क्या मिला, -4, और ये क्या है सम है। जब आपने 3 में से 5 को घटाया तो आपको क्या मिला, -2, ये क्या है सम है। तो आप 1, 3, 5 के किसी भी एलिमेंट को किसी में से माइनस करोगे आपको हमेशा सम मिलेगा, ठीक है। अब 2, 4 की बात करो भैया, 2, 4 में क्या है, 2 में से 4 को घटाया क्या मिला, -2, मतलब क्या +2, यानी सम है। और या फिर 4 में से 2 को माइनस कर दो तब भी आपको सम मिलेगा, मतलब 1 में से 3 घटाया तब भी 2 मिला, 3 में से घटाओगे तब भी 2 मिलेगा, क्योंकि मार्ट लगा है तो माइनस का प्लस कर देगा। तो ये अवयवों को जब आपस में घटाते हैं तो हमें सम संख्या मिलती है, 2, 4 को जब हमने आपस में घटाया तो हमें सम संख्या मिली। लेकिन अगर 1 में से 2 घटाओ 1, -2, तो मुझे क्या मिला, 1 मिला, ये विषम है। ऐसे ही 1 में से 4 घटाओगे तो 3 मिलेगा, 1 - 4 = -3, क्योंकि मॉड लगा है तो +3। 3 में से 2 घटाओगे 1 मिलेगा, 5 में से 4 घटाओगे 1 मिलेगा, जो कि विषम है। तो वो कहना ही चाह रहा था कि 1, 3, 5 के एलिमेंट्स को जब आप घटाओगे आपस में तो सम संख्या मिलेगी, 2, 4 को घटाओगे तब भी सम संख्या मिलेगी, लेकिन इस वाले को इस वाले के एलिमेंट से घटाओगे तो आपको सम नहीं मिलेगा, विषम मिलेगा। तो यही एक इसका डिफरेंस है, मतलब 1, 3, 5 2, 4 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है।